नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मुंबई के एलिफेंटा गुफा में। दोस्तों पूरी दुनिया में मशहूर एलिफेंटा की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर धारापुरी द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इन गुफाओं में भगवान शिव के तीन स्वरूपों की भव्य मूर्ति स्थापित है, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये भारत के प्रमुख ऐतिहासिक व प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ये एक गुफाएं दो अलग अलग वर्गों में बांटी हुई है, जिसके एक भाग में हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, जबकि अन्य गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं को इन ऐतिहासिक महत्व के कारण साल 1907 में यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों दोस्तों महाराष्ट्र के इन विशाल एलिफेंटा गुफाओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। बने रहे पूरे हमारे वीडियो में। एलिफेंटा गुफाओं का रिकॉर्डिंग बादामी चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कोंकण के मौर्य शासक की हार के समय में मिलता है। इस दौरान भगवान शिव को समर्पित इन विशाल एलिफेंटा गुफाओं को पुरी का के नाम से जाना जाता है। ये धारापुरी द्वीप पहले कोंकण मौर्य की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। और दोस्तों इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्य ने करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बनाने का क्रेडिट देते हैं। इन गुफाओं का इतिहास पुर्तगालियों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 16वीं सदी में पुर्तगालियों का अधिकार था। वही इसी दौरान पुर्तगालियों ने यहाँ के राजघाट में स्थित हाथी की विशाल प्रतिमा को देखकर इस द्वीप को एलिफेंटा का नाम दिया गया है। हालांकि पुर्तगालियों ने ये बनाई नहीं है, लेकिन तोड़ी जरूर गई है। इस तरह एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं का इतिहास स्पष्ट अभी तक नहीं होता है। इसके बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है। वही इन गुफाओं को कब और किसने बनाया, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। इन्होंने पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था इन गुफाओं में, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान एलिफेंटों का निर्माण शिव भगत बाणासुर द्वारा भी माना जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलिफेंटा की गुफा 60,000 वर्ग के क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों पांच गुफाएं अभी भी चालू है, जो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की गुफाएं हैं। इनमें से पांच हिंदू धर्म को समर्पित है। भगवान शिव का हर गुफा में मंदिर बना हुआ है। ये दोस्तों धारापुरी टापू है, वहां बना हुआ है।